Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. CSK versus KKR, दोस्तों आपको बता दें कि CSK ने ये मैच भी जीत लिया है। उन्होंने अब तक 8 गेम खेले हैं और 7 जीत चुके हैं। दोस्तों अब आपको बता दें कि आज के स्टार प्लेयर रहे रैना। रैना ने 58 रन बनाए 42 बॉल के अंदर और वहीं पर 7 चौके लगाए और एक लगाया छक्का। दोस्तों इसके अंदर फाफ डुप्लेसिस ने भी 24 रन बनाए 16 बॉलों पर लगाए 5 चौके। फिर बात करें दोस्तों धोनी की, तो धोनी ने 16 रन बनाए हैं 13 बॉलों पर और एक लगाया था छक्का। दोस्तों रविंद्र जडेजा और रैना की इस जोड़ी ने काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार तरीके से चेन्नई को जीत दिला दी। आपको बता दें दोस्तों कि इसके अंदर रविंद्र जडेजा ने भी 31 रन बनाए हैं 17 बॉलों के ऊपर और लगातार उन्होंने 5 चौके भी लगाए। और आपको बता दें दोस्तों कि कल यानी कि मंडे को वर्ल्ड कप के सिलेक्शन हैं और उसके अंदर काफ़ी नाम जोड़ा जा रहा है रविंद्र जडेजा का और हल्का बहुत नाम आ रहा है रैना का। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसके ऊपर अब महेंद्र सिंह धोनी ने अपना रिएक्शन साझा किया है। उन्होंने कहा कि रैना काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, ये तो मैं जानता हूँ और सभी जानते हैं। रविंद्र जडेजा ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी लेकिन रैना काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए और वर्ल्ड कप के अंदर क्या वो खेलेंगे ये अभी तक मैं तय नहीं कर सकता, ये सेलेक्टर्स तय करेंगे। लेकिन वो रैना की इस बैटिंग से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वहीं पर सर जडेजा जो कि उनके फेवरेट्स में से एक हैं उनसे भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए और उन्होंने कहा कि ऐसे ही हम IPL भी जीतेंगे। तो दोस्तों अब आप लोग कितना एक्साइटेड हो CSK के इस IPL की विनिंग पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको मिले IPL की हर खबर सबसे पहले। Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates.